हेलो गाइस, वेलकम टू हिन कोच। मैं हूं वंदना। आज की इस वीडियो लेसन में जानते हैं हाउ शब्द से आप कितने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये पहाड़ कितना ऊंचा है, कितनी देर मैं तुम्हारा इंतजार करूं, कैसे हैं आप सब। हाउ शब्द से हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आइए जानते हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वो लड़का कैसा है, हाउ इज ही। अगर आप जानना चाहते हैं और क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी जिंदगी में, हाउ इज योर लाइफ गोइंग। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब कैसी चल रही है, हाउ इज योर जॉब गोइंग। जरूरी नहीं कि हर कोई जॉब ही करे, जो बिजनेस करते हैं अगर आपको उनसे पूछना है कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं हाउ इज योर वर्क गोइंग, आपका काम कैसा चल रहा है। तो ये हमने जाना कि आप कैसे हैं, आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। अब हाउ के अदर यूज देखते हैं। हाउ वॉज, हाउ वॉज का मतलब है कैसा था। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। हाउ वॉज योर वीक, आपका सप्ताह कैसा था। आपका इंटरव्यू कैसा था, हाउ वॉज योर इंटरव्यू। हाउ वॉज का मतलब कैसा था। हाउ डू, हाउ डू का मतलब होता है कैसे कर सकते हैं। हाउ डू आई सॉल्व दिस मैथ्स क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। हाउ डू आई फिक्स दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का हल मैं कैसे निकाल सकती हूँ। तो हाउ डू का मतलब होता है कि हम कोई कार्य कैसे कर सकते हैं। हाउ डिड, हाउ डिड का मतलब होता है ये कार्य कैसे हुआ। हाउ डिड यू मैनेज, तुमने कैसे मैनेज करा। मेरी फ्रेंड के घर अचानक ही बहुत सारे कलीग्स आ गए, उसने सबके लिए खाना बनाया, तो मैंने उससे पूछा हाउ डिड यू मैनेज, तुमने कैसे मैनेज करा। हाउ डिड यानी कि कैसे किया। कई बार ऐसा होता है हमारे दोस्त की शादी हो जाती है, लेकिन वो हमें अपनी शादी में इनवाइट नहीं करते और ना ही हमें बताते हैं। जब हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो फिर वो हमसे पूछते हैं हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला। हाउ डिड यू नो यानी कि तुम्हें कैसे पता चला। हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ। किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप जानना चाहते हैं अरे ये कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ। तुम वहाँ कैसे पहुँचे, हाउ डिड यू गेट देयर। मेरी एक कलीग को बॉस ने बहुत डांटा, तो मैंने उससे पूछा तुमने कैसे रिएक्ट करा, हाउ डिड यू रिएक्ट। अरे तुमने इतनी जल्दी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट। हाउ सून, हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी। हाउ सून कैन वी स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट, हम अपना प्रोजेक्ट कितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ सून कैन यू रीच देयर, तुम वहाँ कितनी जल्दी पहुँच सकती हो, हाउ सून कैन यू रीच देयर। हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी। हाउ अबाउट, हाउ अबाउट का मतलब होता है कैसा रहेगा। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक पर जाना कैसा रहेगा। हमारे घर में कोई आता है तो हम बोलते हैं ना एक कप चाय कैसी रहेगी, हाउ अबाउट अ कप ऑफ टी। अरे चाय नहीं पी रहे तो कोई बात नहीं एक कप कॉफ़ी पी लो, हाउ अबाउट अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी कैसी रहेगी। हाउ कैन, हाउ कैन का मतलब होता है कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम, तुम उस पर विश्वास कैसे कर सकती हो। हाउ कैन यू बी सो हार्टलेस, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे कर सकती हूँ, हाउ कैन आई थैंक यू। तो हाउ कैन का मतलब होता है कैसे कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना समय। हाउ लॉन्ग शेल आई वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा कितने समय के लिए इंतजार करूं। हाउ लॉन्ग अगो, हाउ लॉन्ग अगो का मतलब होता है कितनी देर पहले, ये कितनी देर पहले हुआ। हाउ लॉन्ग अगो डिड इट हैपन। अगर आप जानना चाहते हैं ये कितना ऊंचा है, तो आप बोल सकते हैं हाउ हाई, हाउ हाई इज द माउंटेन, ये पर्वत कितना ऊंचा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई चीज कितनी गहरी है, तो आप बोल सकते हैं हाउ डीप, ये समुद्र कितना गहरा है, हाउ डीप इज द ओशियन। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू रिपीट दिस, और कितनी बार मुझे दोहराने की आवश्यकता है, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार। हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। सो गाइज, आज की इस वीडियो लेसन में हमने जाना कि हाउ से हम कितने सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो आप भी हाउ से क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिन कोच। थैंक यू।